हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष जांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक्स लेकर आए हैं ये आपके लिए बहुत ही न्यू टॉपिक्स है, यानी कि मॉडल जो वर्ब है कैन और कुड का आपको कब यूज करना होता है ये सारा आज इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब आपको मॉडल वर्ब के साथ में, मॉडल सेंटेंस के साथ में कैन लगाना होगा और कब आपको कुड लगाना होगा। वैसे ही आप कॉपी निकाल लीजिए, उसमें जो हम बता रहे हैं उस टॉपिक्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि वैसे तो अक्सर प्रायः जो कैन का जो प्रयोग होता है वह सभी पर्सन के साथ में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कैन का उपयोग सभी पर्सन के साथ में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ठीक है। किंतु जो कुड का जो उपयोग होता है वो सभी पर्सन के साथ में हमेशा पास्ट टेंस के साथ में यूज़ किया जाता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आइए देखते हैं, हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से ये पूरा आज हिंदी में समझते हैं। टू एक्सप्रेशन परमिशन, अनुमति देने के लिए, सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है, यानी कि कैन का यूज हमेशा हमेशा आपको किसी को यदि आप अनुमति दे रहे हैं तो वहां पर आपको कैन का यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, यू कैन गो नाउ। अक्सर आपने ये सेंटेंस सुना भी होगा, आई गिव यू परमिशन टू गो, मैं यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को अनुमति दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर एक परमिशन हो गई, इसलिए यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। ये जानते हैं दूसरा सेंटेंस, अब एक अनुमति परमिशन देना हो गया, और परमिशन अनुमति या परमिशन नहीं के लिए भी यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरा लिया जा सकता है, जैसे कि यू कैन नॉट टच फ्लावर्स, भी आपको फूलों को स्पर्श नहीं करना है, यानी कि आई डू नॉट परमिट यू टू टच फ्लावर्स, यानी कि मैंने आपको जो फ्लावर है यानी कि जो फूल है उनको आपको स्पर्श करने की अनुमति नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर तुम फूलों को छू नहीं सकते, यानी कि फूलों को आप स्पर्श नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको कैन का यूज करना है। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगला जो सेंटेंस आपका, यानी कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी कि यहाँ पर आपको एबिलिटी, एबिलिटी क्या होता है, योग्यता या फिर कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो कभी कभी आपको क्या करना होता है बच्चों, यानी कि यदि योग्यता के लिए या फिर कैपेसिटी प्रकट करने के लिए भी हमेशा हमेशा आपको कैन का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस आया, ये देखते हैं, सेंटेंस आपका लिखा है ही कैन स्विम, यानी कि वह तैर सकता है। भाई क्या कर सकते, यहाँ पर हम उसकी एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, उसमें क्षमता है कि वह तैर सकता है, ठीक है। ही नोस हाउ टू स्विम, भाई वो वह जानता है कि वो बिल्कुल डेफिनेटली वो तैर सकता है। आई कैन स्पीक संस्कृत, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं संस्कृत बोल सकता हूँ, तो आई एम एबल टू स्पीक संस्कृत, ठीक है। भाई बोलने की यानी कि योग्यता है उसमें कि वो एक संस्कृत भाषा को बोल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चों आपको हमेशा कैन का यूज करना होगा। ये जान लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि यहाँ पर संभावना बनती है, यानी कि एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कि हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, भैया बिल्कुल डेफिनेटली हर एक व्यक्ति गलती कर सकता है, हर एक व्यक्ति गलती करता है, गलती कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है कि हर कोई, ये संभावना व्यक्त हो रही है कि हर कोई गलती कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सेंटेंस, यहाँ पर एक्सीडेंट्स कैन हैपन्स टू एनीवन, भाई हर एक व्यक्ति का दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, हर किसी के साथ में दुर्घटना हो सकती है, तो यहाँ पर भी संभावना बन रही है यानी कि पॉसिबिलिटी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में बच्चों हम कैन का यूज करेंगे। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यानी कि कांट हेल्प एन, एक आइडियम यानी कि एक मुहावरा जो होता है इसका अर्थ है कैन नॉट अवॉइड, यानी कि टाल नहीं सकना, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन में भी कि सी हैज अ बैड कॉल्ड, भाई उसे बहुत ज्यादा जुकाम हुआ है, सी कैन नॉट हेल्प स्नीजिंग, यानी कि उसे बहुत सर्दी है, वह छींकना रोक नहीं सकती। यहां पर जो हो गया ना, एक मुहावरा हो गया और उसको टाल नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में भी जो हमेशा आपको कैन का यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जानेंगे, द इंस्पेक्टर्स कैन कांट हेल्प लाफिंग सिंग द क्लाउ, तो यहाँ पर यानी कि जोकर को देखकर दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक सके, यानी कि उनके अंदर जो हंसी थी उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, ऐसी सिचुएशन में भी आपको हमेशा आपको कैन का यूज करना होगा।
तो हमने आपको पहले भी इनको निर्देश दिया, यानी कि केन का प्रयोग हमेशा आपको पर्सन के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट का कौन सा भी टेंसेंस हो सकता है उसमें ही आपको केन का यूज करना होगा। दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए। और कुड का यूज आपको हमेशा पास्ट टेंस के साथ में यूज करना होगा। आइए जान लेते हैं कुड का यूज कब होगा। आई होप आपको केन का यूज कब करना चाहिए समझ में आया होगा। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, देखो इसमें भी एबिलिटी भी होगा, परमिशन भी होगा, पॉसिबिलिटी भी होगा। व्हेन द मेन वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, यानी कि जो इसकी जो मेन वर्ब होगी ना, वो मेन वर्ब कौन से टेंस की होगी बच्चों? आपकी इसमें जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब हमेशा आपको इसमें पास्ट टेंस की मेन वर्ब देखने को मिलेगी, तभी आपको वहां पर आपको कुड का यूज करना होगा। आइए जान लेते हैं एक सेंटेंस, आई कुड स्विम वेल वेन आई वॉज यंग। भाई बात किसकी हो रही है? बचपन की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है उपयुक्त सेंटेंस में। मैं जब युवक था मैं अच्छी तरह तैर सकता था, यानी कि पास्ट की बात हो रही, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कुड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यानी कि टू मेक आ रिक्वेस्ट मोर पोलाइटली, यानी कि जिसमें नम्रता हो, यानी कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस बता रहा है आपको कि नम्रता के भाव होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर जाने की कुड यू लेंड मी समवन सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ रकम रुपए पैसे उधार दे सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पोलाइट हो रहा है व्यक्ति, अपने आप में एक नम्रता के भाव प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी कुड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस जानेंगे, यानी कि हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? तो यहाँ पर भी हम किसी से रिक्वेस्ट करने के साथ में, यहाँ पर हम किसी से रिक्वेस्ट करने हैं ऐसे सिचुएशन में भी बच्चों, देखो अब टाइम की बात हो रही है कि कुड यू टेल मी द टाइम प्लेस, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, यानी कि पास्ट की सेंटेंस की से रिलेटेड सेंटेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, समय बता सकते हैं, यानी कि कुड यू, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कुड यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, भाई क्या आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं ये हमेशा आपको कुड का प्रयोग करना होता है। आई होप आपको कैन और कुड में डिफरेंट समझ में आया होगा। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको इसी प्रकार के नेक्स्ट, यानी कि मैं माइट से या जितने भी सारे हमारे जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब से रिलेटेड सारे सेंटेंस हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, और आपकी बहुत ही कम समय के बाद में आपकी एग्जाम आ रही है, और एग्जाम की दृष्टि से ये इनका प्रैक्टिस करना आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।